ग्रेविटी तो सर्कल क्या चल रहा है क्या हाल चाल बढ़िया cool. चलो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और जैसा मैंने आपसे कहा था अब हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ चलेंगे एक बिल्कुल नया टॉपिक फ्रेश टॉपिक यानी कि एक प्रैक्टिकल मेथड एक प्रैक्टिकल तरीका अभी तक आप लोगों को जो भी फॉर्मूलाज पढ़ाया गया कि मेरे प्यारे बच्चों को डेल्टा यू मेजर करना है यानी चेंज इन इंथेलपी डेल्टा एच मेजर करना है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंथेलपी आपको अगर चेक करना है डेल्टा यू इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच इज़ चेंज इन इंथेलपी आपको ये सब अगर पता करना है अगर आपको ये सब निकालना है तो आप कैसे निकालोगे आप ये सब कैसे पता करोगे तो हमारे पास में एक मेथड होती है जिसको बोला जाता है कैलोरी गाइस गाइज ये एक प्रैक्टिकल थिंग है ये लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है तो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो कैलोरी मेट्री के सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कैलोरी कैलोरीमेट्री? कैलोरी देखो नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को कैलोरी मतलब एनर्जी भाई एनर्जी की एक यूनिट होती है कैलोरी एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट यानी हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं बेसिकली वी आर डूइंग द एनर्जी मेजरमेंट हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं एनर्जी मेजरमेंट और यार डेल्टा यू इज अ टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंथेलपी इज अगेन अ टाइप ऑफ एनर्जी तो आप डेल्टा यू और डेल्टा एच को यहां पर क्या करने वाले हो प्रैक्टिकली मेजर करने वाले हो तो कैसे करने वाले हो मैं आपको समझाता हूं देखिए आपके पास में एक वेसल होता है आपके पास में एक वेसल होता है मैं उसको पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा ताकि आपको इजीली याद हो जाए और आपके नोट्स भी बड़े सुंदर बन सके एक वैसल होता है यूजुअली ये वैसल स्टील बॉडी का होना चाहिए या कुछ भी हो सकता है ये एक स्टील बॉडी का वेसल होता है या एक ये नॉर्मल सा वेसल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैलोरी क्या बोलते हैं कैलोरी इस कैलोरी मीटर के अंदर ही हमारा सैंपल होता है सैंपल क्या जिसका हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज करके या उसके अंदर जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी आपका थर्मोडाइनेमिकल चेंजेस है वो आप करके देखना चाहते हो तो वेसल के अंदर आपका सैंपल हो गया तो बेसिकली आपका वेसल बन गया आपका सिस्टम इस वेसल को हम लोग इमर्स करते हैं इस इमर्स इन टू वॉटर हम इसको क्या करते हैं इस वेसल को पानी के अंदर डुबा देते हैं अब पानी के अंदर डुबाने से क्या फायदा होगा क्योंकि वाटर की अपने आप की एक अच्छी खासी हीट कैपेसिटी होती है वाटर इज हैविंग अ वेरी गुड हीट कैपेसिटी आप देखो जब आप पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हो तो पानी भाप बन के उड़ना चालू होता है सौ डिग्री के आसपास दैट मीन्स वाटर की हीट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है शायद यही कारण है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसको पानी मारा जाता है उस पर पानी छिड़का जाता है उसको पानी में डुबो दिया जाता है अगर बहुत ज्यादा आ गया तो वहां पर पानी डाला जाता है क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी अच्छी है वो एक्सट्रीम अमाउंट में हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो वाटर की हीट कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से हम क्या करेंगे इस वेसल को हीट कैपेसिटीज़ uh, वेसल को वाटर के अंदर डाल देंगे वेसल की अपनी खुद की कुछ हीट कैपेसिटी होगी हमेशा ध्यान रखिएगा वेसल की अपनी खुद की भी कुछ हीट कैपेसिटी होगी अब आपने इस वेसल को पानी के अंदर डूबा दिया अब इस वेसल के अंदर अब आपके इस वेसल के अंदर आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए इनसाइड वेसल आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए इस प्रोसेस की वजह से लीड्स टू चेंज इन टेम्परेचर विल लीड्स टू चेंज इन टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल इस वैसेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल इस वेसल के अंदर मैंने एक सैंपल रखा और उसको मैंने जलाना चालू कर दिया फॉर एग्जाम्पल इस वैसेल के अंदर मैंने पेट्रोल रख दिया और मैंने उस पेट्रोल को जलाना चालू करा अब क्या होगा जब पेट्रोल जलेगा तो आग निकलेगी आग निकलेगी तो वैसल गर्म होगा वेसल गर्म होगा लेकिन वेसल डूबा गाय में है पानी में तो वेसल की जितनी हीट है वेसल के अंदर से जितनी हीट निकल रही है ना आपके कैलोरी मीटर में से जितनी गर्मी निकल रही है वो सब गर्मी कहां ट्रांसफर हो रही है वो सारी की सारी गर्मी कहां ट्रांसफर हो रही है आपके वाटर के अंदर इस वजह से आपके वाटर का टेम्परेचर इनिशियल कम होगा फाइनल बढ़ जाएगा विल चेंज इन टेम्परेचर हेंस वी विल मेजर चेंज इन टेम्परेचर आप यहां पर क्या ऑब्जर्व करेंगे चेंज इन टेम्परेचर और बाद में जब आपको चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर को आप डी से डिनोट करेंगे आपको जब चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा तो आप डेल्टा यू और डेल्टा एच बड़े आराम से निकाल सकोगे बड़े इजीली निकाल सकोगे वो कैसे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि डेल्टा एच और डेल्टा यू कैसे निकालेंगे डी की मदद से तो आपको प्रोसेस समझ में आ गई कैलोरीमेट्री की तो कैलोरीमेट्री एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमारे एक वेसेल को यानी वेसेल यानी हम लोग हमारे कैलोरी को वाटर के अंदर डिप करते हैं आपके कैलोरी मीटर की अपनी खुद की एक हीट कैपेसिटी होगी वाटर की अपनी एक हीट कैपेसिटी होगी आपको इनकी हीट कैपेसिटी नोन होनी चाहिए आपको इनकी हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए यह आपको गिवन रहता है जब आप इस वेसल को पानी के अंदर डुबाएंगे और जब इस कैलोरी मीटर के अंदर अपनी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा इस वेसेल का उसका असर आपको पानी पे दिखेगा तो आप इस पानी के अंदर एक थर्मोमीटर डुबो दीजिए इस पानी के अंदर अगर आपने एक थर्मोमीटर डाल दिया तो थर्मोमीटर की मदद से आपको चेंज इन टेम्परेचर का पता लग जाएगा और जो भी चेंज इन टेम्परेचर रहेगा आप उसको मेजर कर लीजिए डी को मेजर कर लीजिए डी मेजर कर लो या ज्यादा बड़ा डिफरेंस है तो डेल्टा टी मेजर कर लो और इसकी मदद से फिर आप बाद में डेल्टा यू और डेल्टा डेल्टाइज बहुत ईजीली पता कर सकते हो ठीक है चलिए ये बेसिक पॉइंट उसको जरा नोट कर लीजिए हम लोग इस कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल दो अलग अलग कंडीशंस में करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं पहली कंडीशन होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी कंडीशन होगी एट कांस्टेंट प्रेशर तो जब आप चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पता करोगे तो आपको डेल्टा यू का मिल जाएगा वैल्यू और जब आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पे करोगे तो आपको डेल्टा एच का वैल्यू मिल जाएगा क्या बात समझ में आ गई कोई दिक्कत तो हम लोग कैलोरीमेट्री दो अलग अलग चीजों में पढ़ने वाले हैं पहले हम लोग एक ऐसा वेसल बनाएंगे एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो और हम लोग फिर उस वेसल को पानी के अंदर डुबा के थर्मोमीटर से देख लेंगे कि वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है उससे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो डेल्टा यू की मिलेगी बाद में हम लोग एक ऐसा वेसल क्रिएट करेंगे जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट हो वॉल्यूम बदलता हो तो बदल जाए तो हमको उससे क्या मिल जाएगी डेल्टा एच की वैल्यू और मेरे ख्याल से डेल्टा एच चेंज इन इंथेलपी का मतलब यही है डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी या डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी और डेल्टा पी वी क्या है एक सिस्टम को एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सेटअप करने की एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी डेल्टा एच क्योंकि हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसमें कभी कभी वॉल्यूम भी चेंज होता है प्रेशर भी चेंज होता है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में थोड़ा सा फर्क है मैं पिछली बार आपको सिखा चुका हूं तो जरा इसको नोट कर लीजिए फिर चलते हम लोग हमारे पहले कैलोरीमेट्री पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू निकालने के लिए जिसके वेसल का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर ठीक है चलो नोट करो ओके okay, गॉस चलो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको न्यूमेरिकल के अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड कुछ चीज दे रखी है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग दैट वी आर गोइंग टू मेजर डेल्टा यू व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर डेल्टा यू दैट इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ये सब तभी हो सकता है जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो मतलब यहां पर आपका डेल्टा वी क्या हो जीरो डेल्टा वी क्या हो जीरो हो क्या यहां पर कोई दिक्कत क्या यहां पर कोई परेशानी चलिए अब फॉर्मूला <coughs> वैसे ये कहता है कि अगर आप लोगों को डेल्टा यू निकालना है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन दूसरी इक्वेशन कहती है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर टू बट जब आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर वर्क कर रहे हो तो डेल्टा वी तो जीरो हो जाता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है सो वर्क डन इज जीरो सो देअर फोर आपका डेल्टा यू बन जाता है सिर्फ किसके बराबर क्यू और क्योंकि यहां पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसलिए यहां पर आ जाता है वी इट बिकम्स क्यू वी इज योर इक्वेशन नंबर थ्री एंड ये हमारे बहुत काम की चीज है बहुत ज्यादा काम की चीज है ठीक है क्या यहां तक कोई दिक्कत क्या यहां तक कोई परेशानी क्या हम आगे बढ़ सकते हैं चलो अब गाइस कैसे यहां पर काम होगा तो यहां पर हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एस बॉम्ब कैलोरी मीटर क्या बोलेंगे बॉम्ब कैलोरी मीटर क्या यूज करने वाले हम लोग यहां पर बॉम्ब कैलोरी मीटर यूज करने वाले ठीक है ठीक है आगे बढ़े चलिए तो क्या देखो होता क्या है यहां पर हमारे पास में स्टील की बॉडी का बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है हमारे पास में स्टील की बॉडी का एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है कुछ ऐसा होता है यहां पर आप लोगों को एक ऑक्सीजन का इनलेट प्रोड्यूस करना होता है यहाँ पर एक ऑक्सीजन का इनलेट बना देता हूँ मैं ठीक फिर थोड़ा आगे चलते हैं ये ऐसा आपको दिखाई देगा देन यहाँ पर इस तरीके का ये कैप टाइप आपको बनाना होगा वैसे डायग्राम पर आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली या इतना ज़्यादा दिक्कत आपको हो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है डायग्राम अगर आप ना भी सीखे तो बस एक बार आपको पता होना चाहिए कि यार ये कैसा दिखता है ये कुछ ऐसा दिखता है ठीक है और यहां पर आपका ये पूरा बॉम्ब कैलोरी मीटर हो गया यह आपका कंप्लीट बॉम्ब कैलोरी मीटर हो गया यहां से दो इस तरीके के लेड्स आते हैं ये मेटलिक वायर होते हैं लेड्स जिसको बोला जाता है अपनी भाषा में और ये इस तरीके से यहां पर आते हैं यहां पर आपका एक सैंपल रखा हुआ होता है ये एक प्लेटफॉर्म नीचे यहां पर इस तरीके से दिया होता है किसी किसी में प्लेटफॉर्म यहां से होता है हम यहां पर प्लेटफॉर्म बना देते हैं ये आपका प्लेटफॉर्म है और वो सैंपल जो आप कंबस्ट कर रहे हो भाई आपको एक सैंपल दे दिया जाएगा कि इसको जलाओ तो ये सैंपल को जलाने के लिए आपको यहां पर एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा आपका यहां पर हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म इसको बोला जाएगा लेड और ये बेसिकली यहां पर इस तरीके से वायर से कन, या बैटरी से कनेक्टेड होता है ठीक है ये हो गया आपका सैंपल जिसको हम लोग कंबस्ट करेंगे प्यारे बच्चों आप लोग एक बात सब जानते हो कि अगर आप किसी सैंपल को ऑक्सीजन यहां से आप देखो ये ऑक्सीजन इनलेट दे रखा है मैंने दिस इज योर ऑक्सीजन इनलेट तो जब ऑक्सीजन यहां पर अंदर जाएगा और आप यहां से स्पार्क की वजह से इसको कंबस्ट करेंगे यहां पर यह क्या करेगा इट विल कॉस कंबशन इट विल कॉस कंबशन तो जब यह कंबशन होगा कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना तो जब यह सैंपल जलने लगेगा और यह पूरी तरीके से पैक्ड है जब यह पूरी तरीके से पैक्ड है जब यह जलने लगेगा तो इसमें जलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट जनरेट होगी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी अब इतनी ज्यादा अगर हीट जनरेट हो रही है और हमको यही मेजर करना है हमें क्या करना है हमें हीट मेजर करना है देखो क्योंकि मुझे इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए सिर्फ अगर मैं हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता कर लू तो जो हीट इवॉल्व की वैल्यू होगी वही इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी तो यहां से जो हीट निकलेगी वो मैं नहीं चाहता कि वो हीट सराउंडिंग में लॉस हो जाए वो मैं नहीं चाहता कि वो हीट सराउंडिंग में लॉस हो जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस कैलोरी मीटर को एक चेंबर में उतार देते हैं इस तरीके से और वो चैम्बर यहां तक पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ होता है जो चैम्बर होता है इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर मतलब आपको ये बॉम्ब कैलोरी मीटर के आसपास पूरी तरीके से क्या भरा हुआ दिखाई देगा पानी आप मेरी बात ध्यान से सुनते चलना सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी तो ये बॉम्ब कैलोरी मीटर के आसपास पूरी तरीके से क्या भरा हुआ है पानी तो हम लोगों ने इसको कायम उतार दिया वॉटर के अंदर अब आप देखिए एक काम कीजिए भाई वॉटर के अंदर मान लो यहां पर कंबशन हो रहा है तो यहां से हीट निकलेगी और वॉटर के पास चली जाएगी और क्योंकि ये भी पूरी तरीके से पैक्ड है बिकॉज वी आर डूइंग इट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हम लोग इसे कहाँ कर रहे हैं वी आर डूइंग इट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमने इसको भी पूरी तरीके से पैक कर दिया ताकि यहां से कोई पानी का लॉस ना हो तो पूरी तरीके से पैक कर दिया यानी हम लोगों ने सिस्टम को पूरा अडायबेटिक बना दिया एक तो अडायबेटिक बना दिया मतलब देर इज नो लॉस ऑफ हीट हीट का यहां पर कोई लॉस ना हो नो लॉस ऑफ हीट और नो एक्सचेंज ऑफ हीट और यहां पर हम लोगों ने कंडीशन क्या बना ली कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन बना ली अब यहां पर जो भी हीट बनेगी वो बाहर जाएगी और जहां भी जाएगी अपने आसपास पानी ही पाएगी तो वो क्या होगा पानी के अंदर इसकी हीट पूरी तरीके से चली जाएगी अब क्या होगा ये वाटर का आप इस वाटर का सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर नाप लीजिए कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था वो कैसे नापेंगे वो यहाँ पर हम लोग एक थर्मोमीटर डिप कर देंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक थर्मोमीटर डिप कर देंगे ये मैंने यहाँ पर एक थर्मोमीटर डिप कर दिया दिस इज माई थर्मोमीटर तो इस थर्मोमीटर की मदद से मुझे क्या पता चल जाएगा इनिशियल टेम्परेचर उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक स्टर डाल दूंगा यहां पर क्या करूंगा मैं इस तरीके का एक स्टेर डाल दूंगा स्टेरर का काम का का क्या होगा घूमना रोटेट करना स्टरर इस तरीके से पानी में लगातार रोटेट करेगा उसका कारण क्या है? मैं आपको बताऊं क्योंकि जब हीट इवॉल्व होगी तो हीट हो सकता है नीचे नीचे के पानी में ज्यादा हो जैसे आपने देखा होगा ना जैसे सर्दी के मौसम में जैसे आपने क्या करा बाल्टी में गर्म पानी भर लिया आधी बाल्टी में और आधी बाल्टी में आप नल चला के ठंडा पानी भर दो तो आप जब ऊपर ऊपर पानी को टच करेंगे तो आपको गर्म दिखेगा और जब आप नीचे हाथ डालेंगे तो एकदम ठंडा हो जाएगा तो क्या होता है कभी कभी गर्म ठंडा पानी अलग अलग सेपरेट हो सकता है तो ये स्टरर क्या करेगा पूरे पानी को ऐसे 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 घुमाएगा ताकि ये जो हीट इवॉल्व हो हो रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जाए तो आपने क्या करा सबसे पहले टेम्परेचर नापा फिर आपने करंट प्रोड्यूस करके बॉम्ब कैलोरीमीटर में इस गिवन सैंपल को भाई आपको हो सकता है क्वेश्चन में सैंपल का मास गिवन हो तो गिवन मास ऑफ सैंपल को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको कंबस्ट करा जब ये पूरी तरीके से कंबस्ट हो जाएगा उस पूरी प्रोसेस में जो भी हीट इवॉल्व होगी वो पानी के पास चली जाएगी और इससे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप इनिशियल टेम्परेचर के बाद आप पानी का फाइनल टेम्परेचर भी निकाल लीजिए टी टू और जब आप दोनों आपको टेम्परेचर मिल जाएगा तो आपको इस बॉम्ब कैलोरी मीटर से टी टू माइनस टी वन की वैल्यू मिल जाएगी मतलब आपको इस बॉम्ब कैलोरी मीटर से क्या पता चल जाएगा डेल्टा टी क्या ये बात समझ में आ गई तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा डेल्टा टी क्या यहां तक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई क्या यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट पक्की बात नाउ गाइस अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपको क्वेश्चन कैसा आएगा उसकी तरफ चलते हैं नाउ गाइस क्या होता है वाटर की एक अलग हीट कैपेसिटी होती है जैसा मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था और ये जो आपने इसमें बॉम्ब कैलोरी मीटर डाला है मैं इसको अलग से नाम दे देता हूं इस पूरे को मैं नाम दे देता हूं दिस इज योर बॉम्ब कैलोरी मीटर तो ये जो तुम्हारा बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है इस बॉम्ब कैलोरी मीटर की एक अलग हीट कैपेसिटी होती है तो अब आपको क्या करना है अगर क्वेश्चन में आपको बॉम्ब कैलोरी मीटर की हीट कैपेसिटी अलग दे दी हो और वाटर की हीट कैपेसिटी अलग दे दी हो तो दोनों को जोड़ दीजिए दोनों का सम कर लीजिए तो जब आप बॉम्ब कैलोरी मीटर और वाटर की हीट कैपेसिटी का सम कर लेंगे आपको यह पूरे इंस्ट्रूमेंट का ये जो तुम्हारे सामने पूरा इंस्ट्रूमेंट जो कैलोरीमीटर के तैयार है इसकी एक कॉमन हीट कैपेसिटी मिल जाएगी तो इस पूरे कम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट की हीट कैपेसिटी क्या है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर में यहां लिख देता हूं हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको आपको बात का ध्यान रखना है आपको हमेशा इस कंप्लीट चेंबर की इस कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट की हीट कैपेसिटी चाहिए तो आप दोनों की हीट कैपेसिटी प्लस कर लो तो आपको टोटल हीट कैपेसिटी मिल जाएगी सो हीट कैपेसिटी को मैं यहां पर लिख देता हूं सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू वी तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी आप चेंज इन टेम्परेचर को आप मेजर कर लेंगे तो आपको डेल्टा टी मिल जाएगा आपको हीट कैपेसिटी मिल गई आपको क्यू वी की वैल्यू मिल गई जैसे क्यू वी की वैल्यू मिली क्यू वी की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होती है दैट सेट कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ लो कंसेप्ट तो अगर आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर पे भी कभी क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से बना सकते हो आपको बस ये सवाल करना है कि क्या वाटर और बॉम्ब कैलोरी मीटर की हीट कैपेसिटी अलग अलग दे रखी है अगर नहीं आपको बोलता है तो टोटल हीट कैपेसिटी मतलब टोटल का मतलब है कि उसने पानी और बॉम्ब कैलोरी मीटर की हीट कैपेसिटी जोड़ के आपको एक टोटल हीट कैपेसिटी दे दी है अगर वो बोलता है क्वेश्चन में कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस एंड हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरी मीटर इज डायट तो आपको दिस एंड डैट दोनों को प्लस कर देना है आपको टोटल मिल जाएगी तो वो सी हो जाएगी आप देख लो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का माइनस कर लो डेल्टा टी मिल जाएगा दोनों को सम करेंगे आपको क्यूवी की वैल्यू मिल जाएगी तो बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको पता कर सकते हैं क्या ये चीज क्लियर हो गई क्या इसके अंदर कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों पक्की बात जरा इतना देख लो एक बार ध्यान से ठीक है अच्छा कभी कभी बॉम्ब कैलोरीमीटर पर क्वेश्चन कैसा आ जाता है आपको वो क्यूवी की बा... अच्छा आपको एक बात की यहां पर श्योरिटी होनी चाहिए कि क्यूवी आप जो निकाल रहे हो वो परफेक्ट निकाल रहे हो देर इज नो लॉस ऑफ हीट कारण समझो यहां पर हीट का किसी प्रकार का लॉस क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो भी हीट निकल रही है वो सब ये पानी कर ले रहा है तो सर पानी की हीट बाहर तो नहीं जा रही है या कहीं पानी का लॉस तो नहीं हो रहा है इसलिए तो अपन ने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मेंटेन किया हुआ है इसको पूरा ऊपर से पैक कर दिया कि भैया पानी बाहर जा ही नहीं पाए ये पूरी तरीके से पैक्ड है

इस सैंपल को और स्पेसिफाई कर देंगे बोलेंगे मेरे पास में कार्बन था और कार्बन का भी मेरे पास में 10 ग्राम कार्बन था मेरे पास में 24 ग्राम कार्बन था मेरे पास में 100 ग्राम कार्बन था अब बताओ क्या होगा तो प्यारे बच्चों जब आपके पास में सैंपल का मास एम दे रखा हो तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करते हुए आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्यू वी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी वेयर एम इज द मास ऑफ सैंपल समझ गए तो आपको यहां पर फॉर्मूला कौन सा चूज करना है ये आप क्वेश्चन की भाषा देखकर पता लगाओगे अगर आपको बोलता है दैट वी हैव अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन विच अ सैंपल इज प्रेजेंट कौन सा सैंपल वी डोंट नो द इनिशियल temperature was T1, the द फाइनल was T2, दोनों का डिफरेंस निकाल लो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस हीट capacity ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दैट दोनों का सम कर दो सी वैल्यू मिल गई टी वैल्यू मिल गई ये वाला formula लगा दो लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोलता है कि मेरे पास में 10 ग्राम सैंपल है मेरे पास में 25 ग्राम सैंपल है मेरे पास में 100 ग्राम सैंपल है तो फिर आपके पास में सैंपल का मास होने की वजह से आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छा कभी कभी तो और हद करते हैं आपको सैंपल के मास के साथ साथ सैंपल के बारे में भी पूरी जानकारी दे देते हैं कि मेरे पास में तो कार्बन ही था तो भाई कार्बन था तो कार्बन का मोलर मास भी पता होगा और कार्बन का गिवन मास भी दे देते हैं तो ऐसे केसेस में आपको मोल्स निकालने पड़ जाएंगे तो मैं मोल्स वाला फॉर्मूला यहां लिख देता हूं तो Q इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम या आप चाहो तो यहां पर मास की जगह आप एन लिख दीजिए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी यह चीज निकाल सकते हो कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं क्या यह चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है ये पुराने फॉर्मूलेज हैं इन सारे पुराने फॉर्मूलेज को अगर आप लोग एक एक दो दो बार रिवाइज कर लोगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मजा आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी सी एम इंटू डेल्टा टी और एन डेल्टा टी सी एम ठीक है ठीक है तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग बॉम्ब कैलोरी मीटर का इस्तेमाल करके कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करके डेल्टा यू निकाल सकते हो मैंने आपको पूरे फॉर्मूले फिर एक बार लिख दिए डेल्टा वी जीरो होने की वजह से आपके डेल्टा यू का फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू होने की बजाय सिर्फ क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बच जाएगा क्योंकि वर्क डन जीरो हो जाता है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में बॉम्ब कैलोरी मीटर में देर इज नो वर्क डन मतलब आपको और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि वॉट विल बी द वर्क डन इन बॉम्ब कैलोरी मीटर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे तो भाई साहब जब देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देअ देर इज नो वर्क डन भले यहां पर सैंपल तुम्हारा सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस हो कोई वर्क डन नहीं होगा ठीक है समझ में आ रही बात तो बहुत माइन्यूटली पढ़ने पर यह चीज समझ में आ जाती है इसका जरा अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चल के डेल्टा एच निकालते हैं बट वो कांस्टेंट प्रेशर पर निकलेगा बिफोर दैट स्क्रीनशॉट लो जरा इसका और मेरा प्यार 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 प्यार, प्यार बच्चों क्या तुम्हें इसके अंदर कोई दिक्कत अगर नहीं तो बहुत बढ़िया और अगर है तो आप चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम लोग सारे फॉर्मूले मिटा देते हैं क्योंकि हमको सारे फॉर्मूले याद है हम फिर से लिख लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो और सब कुछ क्लियर करने के बाद लेट्स कैलकुलेट नहीं कैलकुलेट नहीं करना है मेजर कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए हम लोग मेजर करेंगे डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा कांस्टेंट प्रेशर मतलब जो इनिशियल प्रेशर है वही फाइनल प्रेशर है मतलब तुम्हारा डेल्टा पी यहां वाले केस में जीरो हो गया ठीक है डेल्टा पी तुम्हारा क्या हो गया यहां पर जीरो हो गया अब प्रॉब्लम ये है कि अगर डेल्टा पी जीरो हो गया तो यहां पर वर्क डन जो आप करेंगे दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी इसमें देर इज नो चेंज इन प्रेशर यहां पर प्रेशर किसी तरीके से कोई चेंज नहीं हो रहा है ठीक है तो यहां पर आप लोग बस एक काम कीजिएगा कि यहां पर हम लोग वो जो फॉर्मूला लगाते हैं द डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी यहां पर डेल्टा पी जीरो होने की वजह से जीरो हो जाएगा तो यहां पर बचेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और डेल्टा यू हमेशा ये बराबर होता है क्यू पी के तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू पी यानी हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अब आपको अगर क्यू पी का फॉर्मूला चाहिए तो प्यारे बच्चों क्यू पी इज ऑलवेज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी वो एक ही बात है अगर आपको मास दे रखा हो तो मास इंटू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी अगर आपको मोल्स दे रखे हो तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय सी इंटू डेल्टा टी मतलब सब कुछ सेम है तरीका बस क्यूपी की क्यूवी की जगह क्यूपी आ जाएगा तो आपको वो इंथेल्पी के बराबर मिल जाएगा तो अब सवाल यह कि सर इसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देखो आपने कभी शादी पार्टी में जो कॉफी के मग देखे हो स्टार फोम कप कहते हैं उसको स्टरलाइन स्टरलाइन या स्टराइलिन फोम कप कहते हैं सफेद कलर के थर्मोकोल जैसे कप आते हैं तो वैसे मटेरियल का एक कप ले लिया जाता है यूजुअली इसको स्टरलाइन फोम कप कह सकते हैं फोम कप कह सकते हैं इसको ये क्या करेगा ये थोड़ा सा इंसुलेशन क्रिएट करेगा इसका काम क्या होगा ये थोड़ा सा इंसुलेशन क्रिएट करेगा मतलब जो अंदर कॉफी वगैरह भरी हुई होती है उसको थोड़ा लंबे समय तक ये गर्म रखने का काम करता है आप यहाँ से ऊपर से एक थर्मोमीटर्स के अंदर डिप कर दीजिए हमने यहां पर क्या डिप कर दिया एक थर्मोमीटर डिप कर दिया और इसको ऊपर से भी हम लोगों ने क्या करा सील पैक कर दिया हमने इसको ऊपर से एक लिड डाल के हमने इसको सील कर दिया सील फ्रॉम टॉप तो अब क्या होगा अंदर जो मटेरियल है वो ज्यादा हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा अब आप क्या करो अंदर भर दो वाटर आपने अंदर क्या भर दिया वाटर दिस इज योर वाटर अब आप एक काम करो एक गरम-गरम कॉपर का टुकड़ा एक गरम-गरम कॉपर का टुकड़ा इस पानी के अंदर गिरा दो या जो भी आपका रिएक्शन मिक्सर है वो गिरा दो तो या तो आप रिएक्शन मिक्सर गिरा दो या आप एक कोई हॉट मेटल चिप डाल दो एक गरम-गरम मेटल की चिप डाल दो और थोड़ा थर्मोमीटर से इसको स्टर कर दो तो अब क्या होगा रिएक्शन मिक्सचर या मेटल की अपनी खुद की एक हीट कैपेसिटी होगी हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल या हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर और वाटर की अपनी एक हीट कैपेसिटी होगी तो आप लोग ये बात सब जानते ही हो कि जब हम इस पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी की बात करेंगे जब हम इस पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो वाटर प्लस रिएक्शन मिक्सचर के बराबर होगी तो आपको हीट कैपेसिटी मिल जाएगी और जब आप इस रिएक्शन मिक्सर को इसके अंदर डाल रहे हो थर्मोमीटर से आप पहले इनिशियल टेम्परेचर निकाल लो और फिर आप यहां पर फाइनल प्रेशर टेम्परेचर निकाल लो टी टू तो यहां से आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी टी टू माइनस टी वन बस सी और ये वैल्यूज पुट अप करो आपको वैल्यू मिल जाएगी तो इस तरीके से आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पर और यह आप कहां कर रहे हो यह आप ओपन एटमोस्फेयर में कर रहे हो यूजअली हम लोग इसको कहां प्रीफर करते हैं हम इसको यूजुअल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रूम के अंदर जहां पर प्रेशर होता है उसके अंदर हम लोग इसको कर सकते हैं तो ये बहुत इजी तरीके से हो जाता है है ना तो ये आपका तरीका हो गया डेल्टा एच को मेजर करने का तो प्यारे बच्चों बस यही दो तरीके आप लोगों को एन में भी दे रखे हैं इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए अब हम लोग एक काम करेंगे अगले वीडियो के अंदर मेरे को कुछ बच्चों बोले कि सर आप न्यूमेरिकल्स करा दो तो मैं कुछ इसके और जो हम लोगों ने इसके पहले जो कुछ टॉपिक्स पढ़े थे उसके न्यूमेरिकल करेंगे तो अगला वीडियो पूरा न्यूमेरिकल पे रहेगा कम से कम कोशिश करूंगा मैं आपको हर टॉपिक का एक न्यूमेरिकल करा दूं जो हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा था डेल्टा एच मेजरमेंट पढ़ा था सारी चीजों का और इसका भी उसी के अंदर में इंक्लूड करके अगले वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ जहां पर अलग अलग टाइप की इंथेलपीज कौन सी इंथेलपी क्या होती है कैसे उसको पता करते हैं और ये चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ेंगे आप मान के चलो सिक्सटी परसेंट चैप्टर आज हो गया है तो गाइज इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा कोई डाउट किसी प्रकार का किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया करो ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर पाऊं तो यार आई होप मजा आया होगा इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ गई होगी सो दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों हैव अ रियली ग्रेट डे